तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैट गेमिंग। तो यहाँ पे पबजी बैन होने के बाद हम लोग आज खेल रहे हैं, पहली बार नहीं है, बहुत सारे बार खेल चुके हैं ये गेम, वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप 3। तो यहाँ पे हम आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं गेम में, तो गेम शुरू होने ही वाला है। तो यहाँ पे टॉस हो चुका है, अब कौन जीतेगा, तो यहाँ पे सिक्का उछलेगा और कौन जीतेगा तुम लोग देख लो। तो यहाँ पे क्या गिरा है देख लो भाई। तो यहाँ पे मैं जो है टॉस जीत चुका हूँ, और टॉस जीतते ही मैंने बॉलिंग चूज किया है, क्योंकि बॉलिंग हमारी तगड़ी है। तो यहाँ पे हम बॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे प्लेयर्स जो है हमारे इंडियन टीम्स के, सब लोग मैदान पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के जो दो ओपनर्स है वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज हम अफगानिस्तान टीम के प्लेयर्स को धुलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, हमारे बुमराह, इंडिया के बूम बूम बुमराह, उनको हमने चूज कर लिया है। अब हम बुमराह के बॉल से अफगानिस्तान के टीम के लोगों के क्या करेंगे, आउट करेंगे। यहाँ पे गाली बाली नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि ये पबजी नहीं है, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं। अगर हम उनको गाली नहीं दे सकते और नहीं देंगे। तो यहाँ पे पहली बॉल जो है बुमराह ने डाल दिया है, तो पहले बॉल में ही इन लोगों ने अपनी खाता खोल लिया है और एक रन ले लिया है। तो यहाँ पे जो हमारी जो गेम है, हम पूरा तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा गेम, अगर यहाँ पे मैं पूरा गेम दिखाऊंगा तो तुम लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि मेरा पूरा फुल गेम तुम लोग देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 7 मिनट का गेम बनाया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 7 मिनट का। तो यहाँ पे तुम लोग इतना टाइम तो निकाल सकते हो यार, 7 मिनट तो निकाल सकते हो कि मेरे गेम को तुम लोग आराम से देखो। इतना टाइम तो है तुम्हारे पास लॉकडाउन में भाई, देखो यार गेम, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाया है तुम लोगों के लिए। गेम भी खेल रहा हूँ यहाँ पे, अभी पबजी भी बैन हो चुकी है, थोड़ा सा भी तो हमारा ध्यान भी रख लो। तो यहाँ पे बुमराह जो है, उन्होंने आराम से एक विकेट यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे जो पहले ओवर का आखिरी गेंद डॉट चला गया, और पहले ओवर में अफगानिस्तान ने सिर्फ 13 रन कर पाए। तो यहाँ पे हमारे आगे है मोहम्मद शमी, वर्ल्ड कप के हीरो। तो यहाँ पे मोहम्मद शमी के दूसरे गेंद में यहाँ पे जो है मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान सा केस छोड़ दिया है। अरे भाई कैसे छोड़ दिया बे, इतना आसान सा केस, तो इतना आसान सा केस हमने नहीं छोड़ना था, क्योंकि इतना आसान सा केस हम छोड़ेंगे तो गेम कैसे जीत पाएंगे। तो तुम लोग तो जानते ही हो, अगर मैंने एक गलती कर दी तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो तुम लोग देख लो उस गेंद के बाद, अभी जो गेंद मोहम्मद शमी डालेगा, इस गेंद में मैं कैसे कैच पकड़ूंगा ये देख लो, क्योंकि बार बार हम एक ही गलती नहीं करते। अगर हम बार बार एक ही गलती करेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि गलती से ही लोग सीखते हैं। अगर तुम एक ही गलती बार बार करोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आखिरी गेंद आ चुकी है यहाँ पे, तो आखिरी गेंद में एक रन ले लिया, क्योंकि मेरा फील्डिंग ही जबरदस्त है, क्योंकि जबरदस्त फील्डिंग नहीं करोगे तो गेम यहाँ पे नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ पे जबरदस्त फील्डिंग के कारण सिर्फ अफगानिस्तान ने 2 ओवर में 22 रन, यानी 12 बॉल्स में सिर्फ 22 रन कर पाए। तो यहाँ पे हमारे इंडिया टीम्स के ओपनर जो है शिखर धवन और रोहित शर्मा, वो लोग इस पर आ चुके हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स को पेलने के लिए। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के पहला बॉलर जो है ये स्पिनर है, स्पिनर बॉलर्स को रोहित शर्मा कितना पेलते हैं आप लोग तो देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे पहला गेंद जो है रोहित शर्मा ने सिंगल ले लिया, 1 रन ले लिया। तो यहाँ पे स्ट्राइक जो है हमारा शिखर धवन, हमारे गब्बर के पास आ चुका है। अब गब्बर कैसे पेलेंगे इनको देख लो तुम लोग। तो दूसरी गेंद में गब्बर को जो बॉल है वो बैट से नहीं लगा, लेकिन गब्बर है ये, अगर गब्बर को बॉल डालोगे तो वो सीधा बसंती के पास ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे गब्बर ने सीधा ही बॉल को गेंद को
मैदान से बाहर करके यहाँ पे सिक्स ले लिया है। तो यहाँ पे गब्बर है, ये गब्बर तीसरी गेंद चौथी गेंद पे देखो फिर से गब्बर ने चक्का लगा दिया। चक्का, ये चक्का है भाई, चक्का हिजरों की बात नहीं कर रहा हूँ, चक्का सिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दिया है और बैक टू बैक फिर से एक और बाउंड्री देखो फोर लगा दिया है यहाँ पे। अरे गब्बर भैया कितना मारोगे इनको, इतना इतना मत मारो यार गब्बर भैया, क्योंकि इतना मारोगे तो जो अफगानिस्तान के प्लेयर है वो लोग क्रिकेट खेलना ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पर एक गलती हो चुकी है मेरे से, यहाँ पे जो है टाइमिंग जो है थोड़ा सा खराब होने के कारण गब्बर हमारे जो धवन है शिखर धवन पेविलियन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टाइमिंग है गेम के टाइमिंग थोड़ा सा खराब करके मैंने यहाँ पे गेम डाल दिया था, इसलिए हमारे गब्बर भैया को यहाँ पे जाना पड़ेगा पेविलियन में। लेकिन हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे खतरनाक प्लेयर्स है जो यहाँ पे अफगानिस्तान को आराम से हरा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोहली भैया चिकू भैया आ चुके हैं, चिकू भैया तो आजकल बहुत ही बिजी है लेकिन यहाँ पे खेलने के लिए आ चुके हैं। और दूसरी गेंद पे ही चिकू भैया ने यहाँ पे फोर लगा दिया है और हमें आराम से जीत दिला चुकी है, यानी दिला दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये जो गेम है आराम से जीत लिया है, क्योंकि कोहली भैया द रन मशीन ने यहाँ पे दूसरी गेंद में ही चौका लगा के गेम जो है पूरा ही अपनी तरफ कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो है आराम से जीत चुके हैं। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन देख ही चुके हैं आप लोग, कोहली भैया और रोहित शर्मा हमारे हिटमैन जो है यहाँ पे नाच चुके हैं, अपना सेलिब्रेशन अपनी तरफ देख रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे अफगानिस्तान के टीम जो है यहाँ पे थोड़ी दुखी है, लेकिन कोई बात नहीं, गेम में हार और जीत तो होता है, एक गेम में किसी को जीत मिलती है किसी को हार मिलती है। तो यहाँ पे शिखर धवन को जो है मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। और भाई लोग तुम लोग ये भी बता दो कि मैं कौन सा गेम खेलूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो जो ये वीडियो देख रहा है। और भाई लोग अगर तुम लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद।